सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस प्रकार एमआई मोबाइल को हैंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका मोबाइल एमआई का है और वो हैंग कर रहा है, तो आप उसे किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, जो कि बिना ऐप को आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने मोबाइल को हैंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल नॉलेज को, नो फेक ओनली यूजफुल वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये एमआई का मोबाइल है, तो इसे आप किस प्रकार हैंग से बचा सकते हैं या इसको हैंग से ठीक करेंगे। आपका अगर एमआई का फ़ोन हैंग कर रहा है तो आप उसे किस प्रकार ठीक करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करना है। और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम एप्स अपडेटर पर क्लिक करके अपने मोबाइल के सिस्टम को अपडेट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हम बैक आते हैं, क्योंकि हम अपडेट करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर को ओपन करना है यहाँ पर। और ओपन करने के बाद आपको कोई भी एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख रही है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इस अपने ईमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में है लोगो पर क्लिक। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है माई एप्स और गेम्स पर क्लिक करना है आपको। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप एप्लीकेशन का जितना भी आपका एप्लीकेशन है उसका अपडेट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने सभी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। और एक बात आपको बता दूँ कि आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं रखना है जो आपका कोई यूज का ना हो, आप उसे डेली यूज नहीं करते हैं, तो आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें। और इसके बाद आपको अपडेट ऑल यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है और सभी एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। और अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं नो हार्मफुल एप्स फाउंड पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल में कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशन है या नहीं है ये यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन पर हम क्लिक किए तो यहाँ पर आपको बता देगा कि कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आ गया नो हार्मफुल एप्स फाउंड आ गया, यानी आपके मोबाइल में कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशन नहीं है। इसके बाद यहाँ से आप बैक आ जाइए। और बैक आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर अपने लोगो पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है सेटिंग्स में। तो यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जनरल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जनरल पर क्लिक और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है ऑटो अपडेट्स एप्स पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर रखना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक रखना है और इसके बाद यहाँ पर डोंट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो प्ले वीडियोज है, इस पर क्लिक। और इसके बाद इसको भी यहाँ पर डोंट ऑटो प्ले वीडियोज पर क्लिक रखना है और उसके बाद डोंट कर देना है। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपका जो वीडियो है कोई भी आपके बिना क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ही वीडियो प्ले होगा, अदरवाइज प्ले नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपको बताए हैं यहाँ पर यानी ऑटो अपडेट एप्स, यानी जब आप किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट कीजिएगा तभी आपका एप्लीकेशन अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट नहीं होगा। तो इससे आपका मोबाइल थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको इस मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं रीस्टार्ट या रिबूट, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिबूट का ऑप्शन आ गया है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका मोबाइल रिबूट हो जाएगा। इससे यह फ़ायदा होगा जब आपका मोबाइल रिबूट होकर वापस ओपन होगा तो आपका मोबाइल थोड़ा स्लो काम करेगा, उसके बाद कुछ ही समय के बाद एक दो मिनट के बाद आपका मोबाइल फास्ट हो जाएगा। और जब आप रिबूट करेंगे तो आपके मोबाइल का पूरा सॉफ्टवेयर से लेकर आपके मोबाइल के जो भी कंपोनेंट है वो सभी बंद हो जाएंगे और उसके बाद ओपन होंगे तो फास्ट काम करेंगे। तो आप इसे दिन में एक बार अवश्य कर लें जिससे आपका मोबाइल फास्ट काम करेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।